हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्वीट कॉर्न चाट बनाएंगे। अगर आपको चाट खाना बहुत ही पसंद है तो इस रेसिपी को आप लास्ट तक जरूर देखना। जब भी आपको कम भूख लगी हो तो आप इसको बना करके खा सकते हैं। स्नैक्स के टाइम पे आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए इस चाट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी कॉर्न लेंगे। आपको चाट कितनी बनानी है उसके हिसाब से कॉर्न लेने हैं। तो मैंने एक कटोरी कॉर्न लिए हैं, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो सबसे पहले चाट बनाने के लिए हम इनको बॉयल करेंगे। तो मैंने पानी को गर्म कर लिया है। पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। इस टाइम पे हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे और इनको बॉयल कर लेंगे। एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। आप देखेंगे इनका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत ही डिफरेंस नज़र आएगा। ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद में इनमें कितनी शाइनिंग आ गई है और ये थोड़े फूले फूले भी नज़र आ रहे हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पे गैस को बंद कर देंगे और इनका पानी जो है वो निकाल देंगे। तो मैं इनको छान लेती हूँ। तो इनको मैंने छान लिया है और एक बर्तन में निकाल लिया। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और एक कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। मैं ओलिव ऑयल का यूज कर रही हूँ और इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। इनको मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही ये मेल्ट होगा थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा सा इसमें सरसों के दाने डालेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ी सी ऑनियन बिल्कुल बारीक कटी हुई, थोड़ी सी इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और थोड़े से इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने तीनों चीज़ों की सेम क्वांटिटी ली है। तीनों को बिल्कुल बारीक बारीक काट के इसमें ऐड करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। तो मैं इसको 30-40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेती हूँ। अभी हम इसमें कॉर्न ऐड करेंगे जो हमने बॉयल किए थे, तो इनको भी मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा लंबाई में काटा है। इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो अभी ये फ्राई हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें वाइट साल्ट। तो सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नमक आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है और इसमें 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। जब भी ये मसाले ऐड करें गैस को बंद करके ही इसमें मसाले ऐड करें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मिर्ची पसंद नहीं है तो आप मिर्ची को निकाल भी सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको लंबाई में काटा था। लेकिन मिर्ची डालने से इसमें थोड़ी सी स्पाइसीनेस आ जाती है और ये चाट बहुत ही टेस्टी लगती है। लास्ट में थोड़ी सी इसमें प्याज ऐड करेंगे, थोड़े से टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च। इनको मैंने बचा करके रख लिया था तो इनको लास्ट में ऐड करेंगे। इससे चाट जो है थोड़ी टेस्टी लगती है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई है, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी चाट बनकर तैयार है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना कि आपको चाट कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मैं और भी अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।